पीथमपुर सेक्टर एक में हुई हत्या में कैसे बना एक जूता सुराग, कैसे पुलिस हत्यारे तक पहुंची, तो धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने धार पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर तमाम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीथमपुर में इब्राहिम नाम के व्यक्ति की हत्या से शहर में सनसनी फैल गई थी। हत्यारे का नाम पता करना था, उसकी पहचान सामने लानी थी। आरोपी ने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा था। इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटनास्थल पर पुलिस के हाथ एक जूता लगा। मुखबिर की सूचना और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने धीरे धीरे तलाश शुरू की तो आरोपी बिच्छू तक पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूला और अपने साथी का नाम भी उजागर कर दिया। पुलिस ने थाना सेक्टर 1 के दो अंधे कत्लों का पर्दाफाश किया है। उसमें जो पहला जो मामला है वो पिछले महीने की 27-28 तारीख का है, जिसमें एक इब्राहिम नाम के व्यक्ति का मर्डर हो गया था। ये एक चाय की गुमटी चलाता था। इसमें पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिन्होंने प्लानिंग के तहत पहले बगल की टायर पंक्चर की दुकान में घुसे, वहाँ पर मोबाइल और कुछ पैसे लूटे, और उसके बाद इस इब्राहिम के जगने के कारण जब उसकी दुकान में घुसे तो इब्राहिम के जगने के कारण इन्होंने सोफ़ा का जो फोम होता है उस फोम से स्मदर करके उसकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले में एक जूते का क्लू आया था, क्योंकि एक आरोपी का जूता स्पॉट पे छूट गया था, और सीसीटीवी फुटेज और बाकी मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने उस आरोपी को आइडेंटिफाई किया। अब इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। दूसरे मामले में करीब 1.5 महीने पहले एक सेप्टिक टैंक में एक पप्पू नाम के व्यक्ति जो वहाँ पर चौकीदार था, उसकी बॉडी मिली थी, और सेप्टिक टैंक में उसका गद्दा और ऐसे कुछ क्लूज मिले थे कि हत्या है। पुलिस ने ये मामला रजिस्टर किया और जब पता किया तो उसमें उसी का एक दोस्त, शत्रु नाम का एक दोस्त वहाँ रहता था, और ये लोग साथ में शराब भी पीते थे और नशा भी करते थे, और पूर्व में करीब 1 वर्ष पूर्व एक झगड़ा हुआ था जिसमें इस पर मुकदमा भी कायम हुआ था। तो पुरानी द्वेष भावना को लेके उसने उसका मर्डर किया। इस पूरे उसमें एडिशनल SP नॉर्थ, CSP पीथमपुर और थाना प्रभारी सेक्टर 1 चंद्रमान की टीम ने अच्छा काम किया और दोनों अंधे कत्ल का फाश को निकालने में अच्छी कार्रवाई की। दोनों मामलों में, पहले मामले में 3 अरेस्ट हो गए हैं और दूसरे मामले में 1 आरोपी था, वो भी अरेस्ट हो गया। सभी लोग पीथमपुर के ही निवासी हैं। फरार तो नहीं है? अभी 1 व्यक्ति फरार है। थैंक यू।